हेलो फ्रेंड्स, कूल कंटेंट बॉक्स चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को डाई फिलिंग एरर सिखा दिखाता हूँ। अलग अलग डिनोमिनेशंस में, अलग अलग मेटल्स में आया हुआ अलग अलग वैराइटीज दिखाता हूँ। दोस्तों, डाई फिलिंग एरर हमको नज़र आना बहुत रेयर है, जल्दी नज़र नहीं आता। और ऐसे ही ये डाई फिलिंग एरर्स का कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा ही रहता है दोस्तों, डिपेंड्स अपॉन कॉइन कंडीशन, मेटल और मिंटिंग ईयर पे डिपेंड करता है। और ये 2-5 रुपये सिक्का को देखिए, राइट वाला सिक्का पे ध्यान दे दीजिए एक बार। इस पर हम देखा तो हिंदी में भारत और सच्चे में जयते और इंग्लिश में इंडिया में IA लेटर्स मिंट नहीं किया दोस्तों। मिंटिंग करते वक्त ये 5 रुपये के डाइस में एवर्स डाई में मेटल आ गया तो ऐसा हो जाता है दोस्तों, डाई फिलिंग हो जाता है, मेटल डाई फिलिंग। और एक ऐसे हो जाता है कि मिंटिंग करते वक्त हमको डाई में मेटल टुकड़ा जाके रह जाता है। जैसा है कि हम रबर स्टैम्प इस्तेमाल करते हैं, हमने सब लोग स्टैम्प्स इस्तेमाल करते हैं, अगर स्टैम्प की ऊपर और कागज़ के बीच में कुछ आ गया तो हमको प्रिंट कैसे आता है, ऐसा होता है मिंटिंग में। और यह दूसरा सिक्का देखिए, इसमें हमको हिंदी में भारत नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड, और राइट साइड में इंडिया इंग्लिश में लिखा रहता है। पर अभी जो सिक्का है इसमें सिर्फ आई लेटर नज़र आ रहा है दोस्तों, सत्यमेव जयते प्रिंट है। और ये सिक्का आप देखिए, इसमें सब ठीक ही पड़ा है पर इंग्लिश इंडिया लेटर्स में ये मिसिंग है दोस्तों, मतलब ए की जगह में मेटल जाके रह गया। और ये सिक्का देखिए, इसमें हमको लेफ्ट साइड भारत लिखा रहता है हिंदी में, वो डाई में मेटल रहने की वजह से हमको प्रिंट नहीं आया दोस्तों। और ये सिक्का देखिए, इसमें इंडिया इंग्लिश में लेटर्स लिखा रहता है राइट साइड, अशोक लैंड कैपिटल की राइट साइड। और लेफ्ट साइड सिक्का में हम देखा तो इंडिया था ही नहीं, प्रिंट मिस हो गया दोस्तों इंग्लिश में, आप देख सकते हैं सिक्का को क्लियरली। और ये 3 पैसे एल्यूमिनियम 1965 का सिक्का देखिए, लेटर 3 नंबर के ऊपर हमको 3 पैसे लिखा रहता है हिंदी में। ये सिक्का में हम देखा तो 3 नज़र आ रहे हैं हमको, पैसा मिंट नहीं हुआ दोस्तों, मतलब डाई फिल हो गया मेटल से। मैं आपको क्लोजअप शॉट में दिखाता हूँ एक बार, देख सकते हैं 3 हमको क्लियरली नज़र आ रहा है, पैसे बिल्कुल मिंट नहीं हुआ दोस्तों सिक्का के ऊपर, देख सकते हैं। मैं आपको ठीक ठाक प्रिंट किया हुआ सिक्के के साथ पास रख के दिखा रहा हूँ। राइट साइड सिक्का पे ध्यान दे दीजिए, 3 लिखा है और पैसा नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। लेफ्ट साइड सिक्का में 3 न्यूमेरिकल के ऊपर देखिए हमको 3 पैसे ठीक ठाक मिंट हो गया। अभी ये सिक्का को देखिए दोस्तों, ये 1993 में कोलकाता मिंट से जारी किया हुआ 5 रुपये सिक्का है। हमको राइट साइड सिक्का में 5 न्यूमेरिकल के नीचे देखिए रुपीस इंग्लिश में लिखा है, और ये लेफ्ट साइड सिक्का में हमको रुपीस मिंट नहीं किया दोस्तों, बिल्कुल थोड़ा सा लाइट इंप्रेशन भी नहीं है, अब देख सकते हैं। अलग अलग टाइम में अलग अलग स्पेसिफिकेशंस, मतलब अलग अलग कॉइन्स में अलग अलग जगहों में प्रिंट मिस हो गया दोस्तों डाई फिलिंग की वजह से। अब मैं 2 सिक्कों में दिखा रहा हूँ, 92 और 93 सिक्का 2 रखा हूँ, दोनों में रुपीस मिंट नहीं किया दोस्तों, मतलब इंप्रेशन नहीं हुआ, पूरा 5 न्यूमेरिकल के नीचे पूरा हमको मेटल क्लियरली नज़र आ रहा है। 1 रुपये का छोटा सिक्का देखिए, इसमें हमको इंडिया इंग्लिश में राइट साइड नज़र आता है, और राइट साइड मैंने रखा हुआ सिक्का पे हमको सिर्फ आई लेटर नज़र आ रहा है अल्फाबेटिकल्स में, NDIA लेटर्स मिंट नहीं हुआ दोस्तों। अलग अलग सिक्कों का मैंने बहुत सालों से मैंने ये डाई फिलिंग एरर्स कलेक्ट किया। और दोस्तों, ये डाई फिलिंग एरर्स का कॉस्ट हमको 300 से लेके 1000 तक भी रहता है। सिक्का जितना पुराना होता है इतना रेयर हो जाता है, और रेयर ईयर्स में ये सब मिंट एरर्स आया तो डाई फिलिंग का और भी ज़्यादा दाम आता है दोस्तों। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए दोस्तों। धन्यवाद।